नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनो गुरु यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से डिक्टेशन, जो कि आपके आने वाले सभी स्किल टेस्ट के लिए लाभकारी होगा, चाहे वो बिहार एसएससी स्टेनोग्राफर हो, एसएससी स्टेनोग्राफर हो, यूपी ट्रिपल एससी स्टेनोग्राफर हो, कोर्ट स्टेनोग्राफर हो या रेलवे स्टेनोग्राफर, सभी के लिए बेहद लाभकारी होगा। यह डिक्टेशन दोस्तों आपको हमारे मासिक पत्रिका के भाग 6 से रहेगा, जिसका प्रतिलेखन संख्या 13 है। इसका पीडीएफ दोस्तों आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप हमारे लिंक से नहीं जुड़ पा रहे हैं तो आप गूगल प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल करके उसमें स्टेनो गुरुजी सर्च करेंगे तो भी आप हमारे लिंक से जुड़ जाएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने एसएससी स्टेनोग्राफर का फॉर्म अप्लाई नहीं किया, अगर आप शॉर्ट हैंड सीख रहे हैं तो 4 तारीख लास्ट डेट है, उससे पहले आप फॉर्म अप्लाई कर लीजिए, क्योंकि एसएससी ने नोटिफिकेशन जारी किया था कि आप 30 तक अप्लाई कर लीजिए, क्योंकि उसके बाद सर्वर बहुत बिजी होने वाला है। अगर अभी सर्वर नहीं चल रहा है तो आप मॉर्निंग में या नाइट में अगर आप करेंगे तो आराम से कर पाएंगे, क्योंकि दिन में सर्वर बहुत बिजी हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों आपका, जैसे कि आपको पता है कि बिहार एसएससी यानी कि जो बिहार एसएससी स्टेनोग्राफर का रिजल्ट आ चुका था, उसका स्किल टेस्ट लगा हुआ है, जो कि नवंबर में 3 दिन निर्धारित किया गया है। उसमें जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है वो बिल्कुल केयरफुली स्किल टेस्ट के लिए तैयारी में लग जाएँ। पहले उनको मैटर बनाना है, प्रैक्टिस करना है और उसको मिलाना भी है, और कहाँ पर गलती हो रही उसको सुधार करना है। कौन कितने स्पीड में लिख रहा है ये सुनकर ये आपको बिल्कुल नहीं परेशान होना है, आपकी क्या स्पीड है उसी पे आपको कॉन्फिडेंस लाना है। एग्जाम में आपकी स्पीड ही आपको काम आएगी, दूसरे की स्पीड पूछकर या जानकर परेशान ना हो, अपने स्पीड पे आप कॉन्फिडेंस बनाइए, इसलिए डिक्टेशन आप प्रैक्टिस करते रहिए। वैसे दोस्तों हमने अपने चैनल पर आपके प्रैक्टिस के लिए बहुत सारा डिक्टेशन अपलोड किया हुआ है, आपके स्पीड से आपको हमारे प्ले लिस्ट में जाएंगे तो डिक्टेशन मिल जाएगा। अगर आप इसके अलावा भी डिक्टेशन चाहते हैं डेली, तो आप चाहें तो हमारे चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं, जहाँ पे ज्वाइन बटन आपको मिलेगा वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हैं, या अधिक जानकारी के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है study4stenographer@gmail.com। ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले दोस्तों इसमें आए हुए कठिन शब्दों को एक बार हम अभ्यास कर लेते हैं, जिससे डिक्टेशन लिखने में बहुत आसानी हो जाए। एक बात और कि कल मैंने जो वीडियो बनाया था डेट के बारे में, कि डेट आ गया स्किल टेस्ट, आप लोग तैयार हो जाओ, तो उसमें कई सारा कमेंट आया था कि फांट कौन सा रहेगा। तो देखिए दोस्तों, वहाँ पे बिहार एसएससी ने अपने ना तो नोटिफिकेशन में फांट का कोई जिक्र किया था, ना तो एडमिट कार्ड पर ही ऐसा कुछ जिक्र कर रहा है, नोटिस दिया है उस पर भी ऐसा कोई जिक्र नहीं है। अब एडमिट कार्ड पर अगर उस लिखता है तो ठीक है, वैसे अभी तक जहाँ तक हमारी उम्मीद है तो कुर्तिदेव ही होगा, होना चाहिए, क्योंकि अगर आप बिहार सचिवालय की देखें, सॉरी बिहार लोकसभा की देखें, तो बिहार विधान परिषद और जो विधानसभा से आई थी वैकेंसी, उसमें भी कुर्तिदेव ही लिया गया था। तो उम्मीद करता हूँ कि शायद कुर्तिदेव ही होगा, वैसे आपके एडमिट कार्ड पे कुछ ना कुछ मेंशन जरूर रहेगा। समय ना लेते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले आउटलाइन अभ्यास करेंगे, रेडी। सफाई कार्यक्रम महसूस की जा रही है, कार्यान्वयन किया गया है, निवारण नियंत्रण, राष्ट्रीय मिशन, ऊर्जा सुरक्षा, भारतवासियों दिलो दिमाग। माध्यम सफाई के लिए स्थापित किया जाए, तदनुसार केंद्र सरकार, राष्ट्रीय नदी पर्यावरण अधिनियम, मुख्यमंत्री, प्राधिकरण निष्पादन करने के लिए राष्ट्रीय गंगा नदी गुणवत्ता न्यूनतम पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण अंतर्गत राज्य सरकारों विकासात्मक नियामक सामूहिक तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी लगातार उदाहरण के लिए पुनर्प्रशिक्षण सुग्राहीकरण कार्यशालाएं, वैकल्पिक रोजगार, कौशल विकास, असंगठित उत्कृष्टता। ठीक है, तो दोस्तों चलिए अब हम लोग डिक्टेशन लिखते हैं, और डिक्टेशन को आप लोग लिखने के बाद एक बार उसको रीडिंग जरूर करिएगा, उसके बाद ट्रांसक्राइब करके फिर मिलाइएगा। इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे, अगर आपका पूरा ई बुक चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो रेडी रेडी 5 सेकेंड इष्टा। महोदय, गंगा सफाई कार्यक्रम को बेहतर बनाने की आवश्यकता महसूस की जा रही है, अब तक कार्यान्वयन थोड़ा थोड़ा करके
किया गया है और सबसे अधिक ध्यान नगर सीवेज पर केंद्रित किया गया है। यह समस्या अपर्याप्त जल प्रवाह की वजह से और जटिल हो गई है। गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा देते हुए एक राष्ट्रीय मिशन के रूप में जल गुणवत्ता और जल प्रवाह सतत सुलभता प्रदूषण निवारण व नियंत्रण खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा को शामिल करते हुए एक व्यापक कार्यक्रम तैयार करने की जरूरत महसूस की गई। सभी भारतवासियों के दिलों दिमाग में गंगा नदी का एक विशिष्ट स्थान है और इस भावना को स्वीकार करने की आवश्यकता है। ये महसूस किया गया कि नए संस्थागत तंत्र के माध्यम से नदी सफाई के लिए एक आदर्श स्थापित किया जाए। तदनुसार केंद्र सरकार ने गंगा को एक राष्ट्रीय नदी घोषित करने का निर्णय लिया है और पर्यावरण अधिनियम 1986 के अंतर्गत गंगा नदी के लिए सशक्त आयोजना वित्तीय मॉनिटरिंग और समन्वय प्राधिकरण के रूप में एक राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण की स्थापना की है। इस प्राधिकरण के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होंगे और संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य होंगे। प्राधिकरण को अपने कार्यों का निष्पादन करने के लिए समुचित शक्तियां प्रदान की जाएंगी। इस संबंध में सरकार द्वारा एक अधिसूचना जारी की जा रही है। राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण गंगा नदी के प्रदूषण की समस्या के निराकरण के लिए समग्र रूप से उत्तरदायी होगा। इससे जल की गुणवत्ता न्यूनतम पारिस्थितिकीय प्रवाह सतत सुलभता तथा नदी पारिस्थितिकी और प्रबंधन से संबंधित अन्य मामले शामिल होंगे। इस नए दृष्टिकोण के अंतर्गत नदी बेसिन आयोजना की इकाई के रूप में होगी। राज्य सरकारों और इसके संस्थानों में निहित शक्तियों को ध्यान में रखते हुए इस प्राधिकरण में नियामक और विकासात्मक कार्यों को शामिल किया जाएगा। आशा है कि इससे गंगा नदी की सफाई के लिए केंद्रीय और राज्य सरकारों के सामूहिक प्रयासों को नई शक्ति मिलेगी और तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी द्वारा शुरू किए गए मिशन को पूरा करने में सहायता होगी। पुनर्प्रशिक्षण सुविधाओं के साथ श्रम बल के कौशल स्तर में वृद्धि लगातार रोजगार बनाए रखने एवं इनके संरक्षण हेतु कार्य करेगी और रोजगार परकता को बढ़ाएगी। उदाहरण के लिए सूरत में विस्थापित हीरा कामगारों के लिए पुनर्प्रशिक्षण सुविधाओं के बारे में विभिन्न सुग्राहीकरण कार्यशालाएं और वैकल्पिक रोजगार अवसर सामने आए हैं। उत्कृष्टता केंद्रों के रूप में ITI उन्नयन और स्कूल छोड़ने वालों के लिए चलाई गई कौशल विकास पहल से असंगठित क्षेत्र
के कामगारों को मदद मिलेगी। स्टाफ ओके दोस्तों, आप लोग इसको प्रैक्टिस करिएगा। 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से है, प्रतिलेखन संख्या 13 भाग 6 से है। और मैटर को लिखने के बाद उसको एक बार जरूर पढ़ना है, अगर ट्रांसक्राइब करने का टाइम नहीं मिल पाता है तो, लेकिन रीडिंग जरूर करना है। और जो शब्द पढ़ने में नहीं आ रही या बनाने में प्रॉब्लम हो रही है उसको आप बार बार प्रैक्टिस कर लो या उस आउटलाइन को चेंज। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा ताकि वे भी इसका लाभ ले सकें। और वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस ई बुक का पीडीएफ चाहिए दोस्तों तो आप मात्र 14 रुपये का पेमेंट करके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। अपना बहुमूल्य सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना ताकि आने वाले वीडियो में हम और बेहतर कर पाएँ। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए डिक्टेशन और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।